हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रीतम लाइट्स में। और आज मैं जो दिखाने जा रहा हूँ 9 वाट का DUB वाला AC DC बल्ब कैसे बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि AC DC तो बना लिया, लेकिन क्या होता है कई बार उसमें AC में लाइन आता है तो DC में नहीं आता है, और DC में आता है तो AC में नहीं आता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसको कैसे पूरी तरह से क्लीन बनानी है वो मैं दिखाऊँगा। तो उसका जो प्रॉपर रॉ मटेरियल है, जो आपके पास रॉ मटेरियल जाएगा, ये पूरा ये सेट जाएगा। पहले ये आपका B22 कैप है, बड़ी वायर में रहेगी। ये आपका हाउसिंग रहेगा DUB का, और ये रिंग और इसकी डिफ्यूज़र, प्लस इसकी जो DUB है अच्छी वाली DUB रहेगी, इसमें भी हल्की क्वालिटी की आती है। ये 12 mAh की बैटरी है, और ये इसकी वायर है। वायर क्या होता है, हमें इसमें कनेक्ट करने के लिए और इसमें हमें ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो बैटरी है, हमें बैटरी को क्या करना है, ऊपर से ये ले लेना, ऐसा कुछ ले ले आप चाहें तो, ठीक है। और इसको ऊपर की तरफ है ना, ऐसे रब कर देना है। जितना आप रब करेंगे इसको, क्या है कि यहाँ ये शोल्डिंग करने में है ना, हमारा जो वायर है इसको शोल्डिंग करने में आसानी होता है। अगर आप क्लीन पे करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस इसमें कैसे देखना होता है, जैसे ये प्लेन है आपका तो ये माइनस में जाएगा, और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये 4+ बना हुआ है, 1 2 3 4, ये आपका प्लस है। तो प्लस के लिए आपको पता है ये रेड वायर चाहिए, और माइनस के लिए आपको ये ब्लैक वायर चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये हमारा फ्लक्स हो गया, फ्लक्स तो मैंडेटरी है, आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि जैसे कि ये हमारा वायर हो गया, अब इसमें हमने फ्लक्स लगा दिया। लगाने के बाद शोल्डर वायर लेंगे हम, जैसे कि ये शोल्डर वायर है, इसमें क्या किया हमने, थोड़ा सा ये वायर ले लिया, और ये प्लस पे हमने इसको यहाँ पे ऐसे शोल्डिंग कर दिया, ठीक है। ये हमारा शोल्डिंग हो गया। अब इसके बाद क्या, ये हमारा माइनस है, माइनस में भी हम वही करेंगे, हल्का सा ये शोल्डिंग वायर लेंगे, ठीक है। और इस माइनस को भी हम यहाँ पर अच्छे से ले करके, हमारी शोल्डिंग हो चुकी है अच्छे से, ठीक है। ये बैटरी हमारी अच्छे से पूरी सेट हो चुकी है। अब इसको क्या करना है, हम यहाँ पे है ना एक टेपिंग कर देंगे, ताकि ये वायर है ना दबाए दबने पे खींचे ना। तो इसके लिए हमें कोई भी एक सेलो टेप ले लें आप, जो कि आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऐसा कोई भी टेप होता है। जो नेक्स्ट काम है हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा हो गया, ये बॉडी हो गई, और बॉडी में हमें B22 कैप जो है ना, ये वायर को हमें इसमें डालना है, और इसको आपको पता है पंचिंग करनी है। पंचिंग इसको करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है हमारी। तो ये हमारी ये पंचिंग हो चुकी है, देखिए कितने अच्छे तरीके से पंच हो गया। अब इसके ऊपर क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको बैटरी को अंदर लगाना है, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो B22 की जगह जगह बची हुई है, ठीक है, इसमें लगाना है। तो एक टेप मिलेगा ये आपको बड़ी वाली, आप चाहें तो इसे ऑर्डर करते टाइम डबल टेप बोल के नाम है इसका, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जब भी ऑर्डर दें आप बोल दें कि मुझे डबल टेप भी चाहिए, तो आपको उसके साथ चला जाएगा, ये ऑर्डर के साथ ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें इसको कैसे लगाना है, नीचे अंदर अच्छे से इसको डाल के और प्रेस कर देना है, ताकि ये नीचे जाके बैठ जाए। अब ये निकलेगा नहीं, नहीं ये ये इसमें आवाज़ आने वाली है। अब इसके बाद हमारा ये रिंग है, रिंग को हमने इसमें डाला, और अच्छे से इसको फिट कर देना है, हल्का सा प्रेस कर देंगे, चारों तरफ से ये फिट हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको क्लीन समझ में आ रहा है, बाकी मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दो तरह की मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, स्लॉट देख रहे हैं, इसके पास में प्लस और माइनस दिख रहा है, ठीक है, और इसके अंदर जगह दिख रही है ना ऐसे पतली, और यहाँ पे ये, तो ये ऊपर की तरफ रहेगा। आप ये ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ना, यहीं पे दिक्कत आती है। ये देखें यहाँ पर ऊपर एक पतली सी स्लॉट दिख रही होगी, हल्की लंबे में, और ये लंबा आपको ऐसे लगाना है। अगर ऐसे लगाते हो आप, देखो यहाँ पर प्लस रेड वाला है, रेड आपका यहाँ प्लस में जा रहा है, ठीक है, और ये जो माइनस है, माइनस इस साइड में आपका माइनस जा रहा है, यानी ये कनेक्ट हो जाएगा ना, तो अच्छे से आपका प्रॉपर वर्क करने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसको अंदर से हम निकालेंगे, ऊपर से नहीं निकालना है, ये ध्यान रखिए आप, ऊपर से नहीं निकालना है, ठीक है। और इसकी जो ये वायर है, इसको भी हमें अंदर से निकाल लेना है, ताकि सोल्डिंग के टाइम हमें कोई दिक्कत ना हो। और देखिए ये हमारी वायर जो है ये ऊपर आ चुकी है। अब ये जो हमारा स्लॉट है कैसे लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, फिर वैसे ही बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको लंबा है, जैसा कि हम इसको अच्छे से इसको ऐसे अंदर चला गया ये, ठीक है। अब इसके बाद हमें इन दोनों वायर को है ना, यहाँ और आपको N और L दिख रहा है, ये प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस माइनस आपको इसमें और इसमें देखना होता है, जो हमारी ये बैटरी वाली स्लॉट है, ठीक है। इसके बाद हमें इस प्लस और माइनस इसमें कुछ नहीं है, L और N पे आपको शोल्डिंग करनी है। तो शोल्डिंग के लिए आपको पता है कैसे करना है, बाकी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वायर से फिर इसे टच करके इसको क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ कि आपका कैसे कनेक्ट करना है। तो ये हमारा वायर यहाँ पे,
ठीक है, ये हो गया। एक और जो है यहाँ पे हमें रेड पे लगाना है ताकि ये हमारी सोल्डिंग हो चुकी है, दोनों सोल्डिंग हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें एक स्क्रू लगाना है। ये हमारी बैटरी ये बन के रेडी हो गई है, अब यहाँ स्क्रू लगाना है। देखिए यहाँ पे एक जगह है, इसमें हमें स्क्रू लगाना है। तो कोई भी आप स्क्रू ड्राइवर ले लें या फिर मैनुअल से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑटोमेटिक चाहिए, क्योंकि अगर आप किट ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा, जिससे अपना स्क्रू आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखते हैं हम जला करके कि कैसे जलता है कि नहीं जलता है। हमें सबसे पहले इसकी जो है ये हाउसिंग हमारी लग चुकी है, बैटरी हमारा प्रॉपर अच्छे से हो चुका है। अब इसको देखते हैं जला करके। देखिए ये एसीडीसी हमारी बन के रेडी हो गई। तो देखा आपने कैसे बनता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करें। और इसके बाद अगर आपको इसका रॉ मटेरियल का ऑर्डर करना है तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहा है। ठीक, जैसे ये देख रहे हैं ये आरसी ड्राइवर की पूरी सेट रखी हुई है। ये आरसी ड्राइवर होता है, ठीक है। तो आरसी ड्राइवर वही होता है जैसे कि ड्राइवर से हल्की क्वालिटी होती है। एक ड्राइवर हमारे पास ये है जो कि ट्रिपल आईसी में है, ये अच्छी क्वालिटी की होती है। इसे आप गारंटी चाहें तो 1 साल 1.5 साल की दे सकते हैं, और इसका भी चाहें तो 5, 6, 7 महीने का दे सकते हैं, क्योंकि ये आरसी ड्राइवर है, सबसे बेस्ट क्वालिटी एचपीएफ ड्राइवर होता है आईसी वाला, ठीक है। बाकी अगर इन सब चीज़ का कोई ऑर्डर आप करना चाहते हैं, आपको अल्फ़ा डीओबी भी मिल जाएगा। इन सब चीज़ों में सारी बहुत सारी है, जैसे कि ये कलर वाले हो गए, ये आपका 7-in-1 का प्लेट हो गया जैसे कि देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बल्क में मिलेगा। ऑर्डर करने से पहले आप एक बार व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे आपको रेट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सारी रेट लिस्ट लेने के बाद मुझे कॉल करें, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगा। रही बात पेमेंट को लेकर के, तो पेमेंट आपका सबसे पहले एडवांस होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पार्सल यहाँ से जाएगा। सीओडी वाला ऑप्शन नहीं है। वीडियो हम डेली अपडेट करते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों के पास जाए जो घर बैठे काम करना चाहते हैं, वो घर बैठे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 4 फीट का बैटन भी है, ये भी मिल जाएगा आपको कंप्लीट में मिल जाएगा पूरी एसी, ठीक है। इसकी भी रोशनी काफ़ी बेट है। यहाँ पर 2 फीट वाली ये है ट्यूबलाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, फ्लड लाइट है, हॉटगन है, ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। व्हाट्सएप करें, सब चीज़ आपको मिलेगा। ये देखिए गर्मी का समय आ रहा है तो सबसे बेस्ट अभी ये चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है, इसमें क्या है कि अभी बहुत सारे समय है। देखिए यहाँ पे फ़ैन चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट है, ये दो काम एक साथ कर रहा है। तो आप इसको ले करके मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिमांड है बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इसके लिए एक और भी सबसे अच्छी चीज़ें आई हुई है, ये वाला है। इसमें क्या है, जैसे कि एक चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है, और इसमें क्या है कि एक पहले आपको नाइट लैंप का काम करेगा, फिर इसके बाद इसकी लाइट जितनी बढ़ाएंगे आप ये बढ़ता जाएगा। इसकी लाइट भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी इसकी बात ये है कि यहाँ पे आपको चार्जिंग का ये है जो सोलर प्लेट दिया हुआ है। तो सोलर प्लेट से होगा कि अगर लाइट नहीं भी रहता है तो आपने धूप में रखा, इसका ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।